कहीं दोस्तों आप भी तो नहीं होने वाले दिवालिया, क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है और आपको अब बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज का वीडियो जरूर देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं वो डिटेल्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में इंडिया के कितने सारे ट्रांसपोर्टर दिवालिया घोषित होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए वीडियो को पूरा और जानिए आज के सारे डिटेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरु जी में। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो है बिजनेस से रिलेटेड, और वो बिजनेस किस तरह का है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल पे मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि बिजनेस को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये सारे डिटेल्स मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बट आज का जो डिटेल्स है वो है COVID-19 के अटैक के बाद, लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री किस तरह से परफॉर्म करने वाली है, आज मैं वो बताऊँगा। इसको बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। बट उससे पहले जो है एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जानकारी बिना जाने आपके लिए आगे का डिटेल्स जानना कोई मायने नहीं रखता है। तो डिटेल्स दोस्तों इस तरह से है, आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुतों बार बताया है कि इंडिया में लाखों ट्रक्स हैं जो हर दिन चलते हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में तकरीबन 5 मिलियन ड्राइवर्स हैं जो कि ट्रकों का परिचालन करते हैं। आज के डेट में जिस तरह से अटैक इंडिया के अंदर आया है, लॉकडाउन का जब से परिस्थिति बना है, बहुत सारे ड्राइवर्स आज के डेट में ट्रकों पे अवेलेबल नहीं है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार तकरीबन 1.5 मिलियन ड्राइवर आज के डेट में ट्रकों पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कहा जाए तो तकरीबन 3.5 मिलियन ड्राइवर ही ट्रकों को आज के डेट में चला रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि 1.5 लाख ड्राइवर अगर ट्रकों को नहीं चला रहे हैं तो 1.5 लाख ट्रक ऐसे ही रोड पे खड़ा है या फिर उनके अपने घर पे खड़ा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप जब से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आपको पता होगा कि बहुत सारे ट्रक्स तो ऐसे थे पहले से ही जो रोड पे खड़े थे या घर में खड़ा था, उनके लिए कोई भी बिजनेस नहीं था। अगर देखा जाए तो आज के डेट में इंडिया में तकरीबन 3.5 मिलियन ट्रक ही रोड पे चल रहा है, जिसके पास सिर्फ ड्राइवर अवेलेबल है वही ट्रक आज के डेट में चल रहा है। इससे एक डिटेल्स, एक कदम और हम आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि फरवरी में एक रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली रायपुर दिल्ली, दिल्ली मुंबई दिल्ली, दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली और इसी तरह से दिल्ली रांची दिल्ली, ये जो इंडिया के रूट्स हैं, इस रूट्स के ऊपर तकरीबन बिजनेस जो है 15 से लेकर के 20% तक कम हुआ था। और अगर हम इसी को डिटेल्स में और देखें कि लॉकडाउन के बाद ये किस तरह से परफॉर्म करने वाला है, तो तकरीबन ICRA इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार इंडिया में ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जो है 6 से लेकर 8% तक डाउन हो सकता है। दोस्तों 6 से लेकर 8% तक डाउन होने का मतलब है कि अरबों रुपए का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाना, और ये अरबों रुपए में कितने ट्रांसपोर्टेशन, कितने ट्रक मालिक बैठने वाले हैं ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इंडस्ट्री धीरे धीरे रिफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तब तक बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स जो है या फिर ट्रक मालिक जो है एक तरह से दिवालिया घोषित हो जाएंगे, उनके पास अपने बिजनेस को चलाने के लिए सही से मटेरियल नहीं होगा, और सही से मटेरियल नहीं होने के कारण वो बिजनेस को सही से नहीं चला सकते हैं, और बिजनेस को सही से नहीं चलाने के कारण वो अपना बिजनेस बंद कर देंगे, अपने ट्रक्स जो है या तो बैंक सीज कर लेगा या फिर उसको थोड़े मोड़े जो भी कीमत उनको मिल सकता है उस पर बेच देंगे। अब बात आती है कि क्या इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा इंडिया में, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद मार्केट में वही ट्रक चला सकता है जिनके पास ट्रक बहुत सारे अवेलेबल है, छोटे ट्रक ऑनर एक तरह से खत्म हो जाएंगे या फिर वही ट्रकों को संचालित कर सकते हैं जो ब्रोकर है जिनके पास कोई भी ट्रक अवेलेबल नहीं है। बात आती है दोस्तों कि किस तरह से अब ट्रकों को, अगर छोटे ट्रक को मार्केट में सस्टेन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आज मैं आपको वही डिटेल्स बताने वाला हूं। 10 में आज आप लोगों के लिए पॉइंट लेकर के आया हूं जहां पे भी कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस सिचुएशन में भी बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन सिचुएशन से आपको कस्टमर से डील करना पड़ेगा, क्या क्या आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद कस्टमर मिलना भी उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि मार्केट से बहुत सारे ट्रक गायब हो जाएंगे, मार्केट से बहुत सारे ट्रक कंपनी गायब हो जाएगी जो ट्रकों को संचालित करती है, जो ट्रकों को चलाती है। बट कस्टमर जो है वो उसी तरह से रहेंगे, उनका बिजनेस जरूर डाउन होगा,
बट उनके पास ऑप्शंस जो है बढ़ जाएंगे और इस चक्कर में वो उसी ट्रक वाले को एक्सेप्ट करेंगे जो उनके सारे कंडीशंस पे खड़े उतरते हो। तो आपको अगर सस्टेन करना है मार्केट में तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आज वो 10 पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको 10 पॉइंट बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों पहला है बिल डिस्काउंटिंग। जिस तरह से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, अगर आपको बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए अगर आपको पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पैसे जो है वो हमेशा आपको कस्टमर से ही मिलने वाला है। तो कस्टमर के साथ वैसा डील कीजिए ताकि आपको कस्टमर से पेमेंट जो है टाइमली मिल सके या पहले मिल सके। तो इसके लिए आप कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिल डिस्काउंटिंग के साथ। यहाँ पे आप कस्टमर को ऑल ओवर बिल अमाउंट पे कुछ परसेंट का अगर आप उनको छूट देते हैं तो आपको पेमेंट जो है टाइम से पहले मिल जाएगा और पूरा पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों कि आप ट्रक को कितना जल्दी उनके पास लगा सकते हैं, ये भी अब सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी ट्रक ओनर के साथ, कि मैं अगर आपको ऑर्डर देता हूँ तो आप कितने जल्दी आप ट्रक लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मार्केट में ट्रक अवेलेबल नहीं होगा तो कस्टमर को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर टाइमली का ट्रक लग सकता है तभी कोई कंपनी हमारे साथ काम कर सकती है, अगर ट्रक टाइमली नहीं मिल सकता है तो काम नहीं कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कस्टमर के पास कि आप कितना जल्दी जो है ट्रक उनके वेयर हाउस पे लगा सकते हो जब भी उनका रिक्वायरमेंट आता है। तीसरा दोस्तों कस्टमर फीडबैक या रेफरल्स। आपको बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जो आपसे हमेशा पूछेंगे कि आप कोई दो तीन कस्टमर का नाम ऐसा बताइए जिसके साथ आप अभी के टाइम में बिजनेस कर रहे हो ताकि मैं समझ सकूं कि आप ट्रक जो है टाइमली प्रोवाइड करवाते हो, आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है, आपका एक्यूरेसी जो है ट्रक परफॉर्मेंस का, ट्रक प्लेसमेंट का वो बेस्ट है, तभी आपके साथ वो बिजनेस कर सकता है। चौथा है दोस्तों टेक्नोलॉजी सिस्टम। टेक्नोलॉजी आपको अब डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा डिजिटल होने वाला है। हर चीज़ के लिए अब आपको फ़ोन पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनको एक ऐसा सिस्टम देना पड़ेगा जहाँ पे कि वो डिजिटली टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने ट्रकों का प्लेसमेंट देख सके, अपने बाकी डिटेल्स देख सके। क्योंकि ज़्यादा करके अब कंपनी जो है धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देगी ताकि वो ऐसे कंडीशन के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए फ्यूचर में भी तैयार रहे और इसी के साथ वो अपना बिजनेस भी सही से रन कर सके। इसके बाद है दोस्तों रेट। रेट तो पहले भी होता था बट अब रेट का जो अब जो खेल स्टार्ट होगा वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मार्केट में। होना क्या है, किस तरह से होना वो थोड़ा सा समझ लीजिए, खास करके ओपन ट्रक के लिए। ओपन ट्रक में दोस्तों रेट इतना ज्यादा डाउन किया जाएगा जिसपे कि अगर आप ट्रक मालिक हो तो आप भी गाड़ी डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। कहने का मतलब हुआ कि जहां पे आपका ट्रक का कॉस्ट ही आता है ऐसे बी जाने में 15,000 रुपए, कस्टमर आपको उस कंडीशन में 13,000, 12,000, 11,000 इस तरह से देगी। तो इस रेट को सस्टेन करने के लिए, प्रॉफिट को बनाने के लिए आपको अलग से पार्ट लोड का बिजनेस भी करना पड़ेगा, पार्ट लोड का मटेरियल भी उठाना पड़ेगा ताकि आपके ट्रक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बन सके। वो तरीका क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप वहां पे जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ट्रस्टेड कस्टमर। आपको अपने कस्टमर को ये भी बताना पड़ेगा कि आज के डेट में आप कौन कौन से ट्रस्टेड कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, जिनको सर्विस आप अच्छा दे रहे हैं, तो आपको डिटेल्स भी आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उनके साथ ही हो सके तो नंबर भी वो लोग आपसे मांग सकते हैं या फिर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल मांग सकते हैं ताकि इस चीज़ को वेरीफाई कर सके। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो ऐसे ही पहले से मांग बढ़ा हुआ था मार्केट में, बट इस सिचुएशन के बाद ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है बढ़ जाएगा मार्केट में, लोग इसका डिमांड ज़्यादा करेंगे ताकि वो सारे चीज़ों का डिटेल जो उनको टाइमली मिल सके, चाहे वो बिल से रिलेटेड हो, ट्रक से रिलेटेड हो, ऑर्डर से रिलेटेड हो, फुलफिलमेंट से रिलेटेड हो या फिर इन ट्रांजिट से रिलेटेड हो। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और भी हो सकता है जो मेरे ख्याल से बढ़ने वाला मार्केट में, वो है कोरोना हिस्ट्री। आपके कंपनी का कोई एम्प्लॉय कोरोना प्रभावित तो पहले नहीं था, मे बी आने वाले टाइम में कस्टमर जो है आपसे ये भी मांग करेंगे ताकि वो अपने वेयर हाउस को सुनिश्चित कर सके कि आप कौन कौन से कंपनी के साथ 300 वर्क कर सकते हैं और कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जिनके साथ आपको थोड़ा बच के काम करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक चीज और बढ़ने वाला है, वो है टेक्नोलॉजी का एक और मांग, जो कि
किसी भी कस्टमर के लिए बढ़ने वाला वो ये है कि अब कस्टमर आपसे बोलेगा कि आप अपने टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है हमारे सिस्टम के साथ कीजिए, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो आपके प्रोसेस के साथ मैच हो सके और उसी के साथ वो आगे बढ़ता रहे। जैसे कि इनवॉइसिंग सिस्टम, ई वे बिल और भी इसी तरह के बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसके साथ ही बिलिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, बैंक सिस्टम, ये सारे का जो है इंटीग्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स था जिसका कि अब आने वाले टाइम में मांग बढ़ने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो हमारे कमेंट में जरूर बताइए। अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों के साथ अवेलेबल होता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।